हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए एडिशन के क्वेश्चन लेकर आए हैं, कैरी वाले और बिना कैरी वाले। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको क्वेश्चन करना आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 75 में 29 करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम 5 और 9 को ऐड करेंगे। आपको 7 और 2 से ऐड नहीं करना है, हमेशा आपको इस साइड से ऐड करना है। तो सबसे पहले 5 और 9 को ऐड करेंगे। तो 5 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5। कितना ऐड करना है? 9। तो 9 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना काउंटिंग करते हैं अब इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना हो चुका है? 14। अब जो हमारा 14 आया है, हमको 14 का 14 नहीं लिखना है। जो हमारा 4 है, हमको सिर्फ उसको लिखना है। और जो 1 होगा, हमारा जो कैरी होगा, उसको हमें यहाँ पे लिख देना है। अब इसको दोबारा से सेम उस तरह से करेंगे। अब हम 7 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितना ऐड करना है? 2 1 2। इसको हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो हमारा कैरी था, उसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ये आ चुका है हमारा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है, 4 प्लस 2, 1 2 3 4। कितना ऐड करना है? 2 1 2। तो कितना हो जाएगा काउंट करके? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, ये बिना कैरी वाला है, 6 है, तो यहाँ पे कोई कैरी नहीं जाएगी। इसी तरह 7 प्लस 3 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितना ऐड करना है? 3 2 3। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आ चुका है हमारा आंसर? 106। अब 64 में 86 को ऐड करना है। तो सबसे पहले 4 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4। कितना ऐड करना है? 6। 1 2 3 4 5 6। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आ चुका है? 10। अब दोबारा से हमें 10 का कितना लिखना है? सिर्फ 0। जो हमारा 1 जाएगी, वो यहाँ पे कैरी रहेगी। तो 108 को ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और 1 जो कैरी थी, कितना जाएगा? 15। यानी हमारा आंसर आ चुका है 150। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 80 में हमें 05 को ऐड करना है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए देखिए, 0 है, 0 के लिए कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगी। जो 5 है, उसको क्या करेंगे हम? वैसे ही उतार देंगे। इसी तरह से 8 है, 8 में 0 जोड़ेंगे, तो 0 के लिए कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगी। तो 8 के लिए भी लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 8 को 8 ही उतारेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 85। इस तरह से आप बिना इसको लाइन ड्रॉ करे आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को जोड़ के सवाल सिखाओगे, कैरी वाले और बिना कैरी वाले।